नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों आज के स्वास्थ्य वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टिकलर लोशन। जी हाँ, यह एक तरीके का कहें तो हल्के किस्म का विष होता है, पॉइजन। इसका इस्तेमाल पीने खाने या इंटरनल यूज में, अंदरूनी इस्तेमाल में इसका उपयोग ना करें। यह केवल शरीर पर लगाने के लिए होती है, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यह किस काम आती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ठंड के मौसम में जानवरों को काटा, किलनी, जुएं और मक्खियों की शिकायत हो जाती है, जिससे कि जानवर बहुत परेशान होते हैं और जानवरों का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और जानवरों को बिल्कुल ही बीमार बना देते हैं ये परजीवी। जो पैरासाइट जीव होते हैं, काटा, किलनी, जुएं, ये जानवरों का खून चूस चूस के जानवरों को बिल्कुल ही कमज़ोर कर देते हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही कारगर और सस्ता तरीका बताने वाले हैं आपको। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह टिकलर, जी हाँ, इसका नाम टिकलर होता है। यह बड़ा पैक है या 10 ml का होता है और इसका MRP 34 rupees पर पैक, 34 rupees की 1 cc होती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह होता है कि 1 liter पानी में 1 ml दवाई डाल लें और फिर जैसा आपका जानवर हो, माना कि जैसे आपकी बकरी है, बकरी के लिए 2-3 liter पानी काफ़ी हो जाएगा, तो 2-3 liter पानी में 2-3 ml दवा डाल के अच्छे से मिला लें और बकरी को उस पानी से धो दें। 10-15 मिनट तक वो पानी उसके शरीर पर लगा रहने दें। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बकरी, भैंस, गाय, जो भी जानवर है, जिसे भी आप इस दवाई के पानी से नहलाएं, उसको बस उसके लिए एक चीज़ की बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दवाई को चाट ना पाए। 10-15 मिनट तक उसके पास बैठे रहें और 10-15 मिनट बाद उसको साफ पानी से, अच्छे पानी से नहला दें, बिल्कुल साफ करके काटा, किलनी जो भी हैं वो बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपका जानवर निरोग और स्वस्थ और चैतन्य हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको भैंस के लिए इस दवाई का इस्तेमाल करना है तो भैंस के लिए लगभग, भैंस को पहले अच्छे पानी से नहला दें, उसके बाद 5 liter पानी में, लगभग एक छोटी बाल्टी पानी में ये 5 ml दवाई, लगभग आधा cc दवाई डालकर और भैंस को इस दवाई के पानी से नहला दें। 10-15 मिनट तक वो पानी उसके पूरे शरीर पर पड़ा रहने दें, लगा रहने दें, बस चाट ना पाए इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष रूप से। और उसके बाद उसको अच्छे पानी से नहला दें, आपकी भैंस के जुएं, काटा, किलनी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपकी भैंस बिल्कुल ही फिट, चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका जानवर या ह्यूमन मतलब मनुष्य, कोई भी इसका इस्तेमाल खाने पीने के लिए या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल ना करें, या केवल नहलाने के लिए और लगाने के लिए होती है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।